और नीट पेपर लीक मामले को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम ने पटना से लेकर हजारीबाग तक छापेमारी की है। सीबीआई ने हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि एहसान उल हक को आपको बता दें एनटीए ने नीट परीक्षा के लिए हजारीबाग में सिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था और चार परीक्षा सेंटर पर प्रश्न पत्र पहुंचाने और नियमों के मुताबिक परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी इन्हें दी गई थी। अब सीबीआई के रडार पर आ चुके हैं। पूरे मामले में लगातार सीबीआई की तरफ से एक्शन हो रहा है और ओएसएस के जो प्रिंसिपल है उन्होंने कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम किया था क्योंकि एनटीए ने उनकी नियुक्ति की थी। अब कई ऐसे सवाल हैं जो सीबीआई इनसे पूछताछ कर रही है और ये दो तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से अब सीबीआई का एक्शन ताबड़तोड़ इस पूरे मामले में जारी है। 7 घंटे तक इनसे पूछताछ की गई है, पूरी डिटेल उस दिन की ली गई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई कड़ियों से कड़िया जोड़ती हुई नजर आ रही है। सीबीआई की टीम झारखंड के हजारीबाग में ओएसएस स्कूल पहुंची है जहां पर उन्होंने प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया है, साथ ही स्कूल के कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। स्कूल से दस्तावेज डीवीआर सीबीआई ने जब्त कर लिया है। तो बहुत बड़ी खबर है, आपको बता दें ओएसएस स्कूल की क्या भूमिका रही है, उसके कर्मचारियों की क्या भूमिका रही है, प्रिंसिपल की क्या भूमिका रही है। सीबीआई के रडार पर ओएसएस स्कूल आ चुका है क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि शायद स्कूल में भी टेम्परिंग हो सकती है। ये बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब प्रिंसिपल से 7 घंटे तक पूछताछ हुई है और इस बीच आपको बता दें कि सीबीआई ने ओएसएस स्कूल के कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि स्कूल से दस्तावेज डीवीआर को भी सीबीआई ने जब्त कर लिया है। नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले में जो हजारीबाग का नाम सामने आ रहा था, आज पूरा दिन सीबीआई की जो कार्रवाई है वो हजारीबाग में देखने को मिला है। आपको हम बताते चले कि हजारीबाग में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, वो इस स्कूल को बनाया गया था, उनके प्रिंसिपल से आज दिन भर जो है वो पूछताछ चली है और अभी कुछ ही वक्त पहले जो है सीबीआई की टीम ओएसएस स्कूल के जो प्रिंसिपल एहसानुल हक है उनको साथ ले गई है। सीबीआई की टीम वो रांची के रास्ते निकले हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है उन्हें रांची लेते जाया जाए या फिर जो जहां पे जो सीबीआई की टीम ठहरी हुई है वहां पे उनको उनके साथ जो है पूछताछ भी की जा सकती है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है और हजारीबाग से क्या कुछ और भी तथ्य सामने आ पाते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। तो जैसे जैसे यहाँ पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है वैसे वैसे परतें खुलती नजर आ रही है। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत से पहले एहसानुल हक ने न्यूज 18 से बातचीत की थी और पेपर के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होने का दावा किया था। सुनिए, जब ईओई की टीम हमारे यहाँ आई थी तो पहला क्वेश्चन था कि क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ कोई कमी हुई, तो हमने कहा नहीं, हम लोग बहुत पुराने टाइम से लंबे टाइम से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं, हम लोग बहुत एक्सपीरियंस है और साथ में मैं तो सिटी कोऑर्डिनेटर भी यहाँ पे हूँ। तो बताया कि सारे SOPs को फॉलो किया गया और जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस पे हुआ। जब EOU की टीम हजारीबाग जांच करने आई थी तो उनके साथ जब हमारे सेंटर में और दूसरी जगहों पर जाँच हुई तो मैं उस टीम के साथ था। उस पर EOU के 4 ऑफिशियल्स थे, एक लोकल थाना प्रभारी थे और मैं भी साथ था। तो यहाँ से जांच करने के पश्चात कुछ सेंटर्स की जांच हुई और उसके बाद अल्टीमेटली वो पहुँचे कुरियर एजेंसी के पास। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि नीट के क्वेश्चन पेपर्स जिनको इतना सिक्योरिटी के साथ लाया जाता है कि कैसे इस तरह ई रिक्शा में ला करके पहुँचा लेंगे। और नीट पेपर लीक मामले को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई की टीम को किंग पिन संजीव मुखिया की तलाश है। पुलिस के सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि सीबीआई को संजीव मुखिया के नेपाल में छिपे होने की जानकारी मिली है, लेकिन सीबीआई फिलहाल इसे कंफर्म नहीं मान रही है। सीबीआई अधिकारी अपने स्तर पर इस बात की पुष्टि करेंगे। पेपर लीक के बाद से आरोपी संजीव मुखिया फरार चल रहा है। अब सीबीआई को सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर मिली है कि संजीव मुखिया नेपाल में छिपा हो सकता है, हालांकि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है और ऐसे में अब संजीव मुखिया उस पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी मिल पा रही है कि जब से पेपर लीक हुआ है तब से संजीव मुखिया फरार चल रहा है, लेकिन ये पेपर लीक मामले में बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि इस मामले के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
झारखंड से हो, धनबाद से हो या देश के किसी कोने से हो, वैसे सभी कल्पित को पकड़कर और दंड दिलाने का काम किया जाएगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि सीबीआई इसकी जांच कर रही है, तो सीबीआई नतीजे तक पहुंचेगी और इस प्रकार से पेपर आउट करने वाले, पेपर का सौदेबाजी करने वाले वैसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। तो एक तरफ आपको बता दें नीट पेपर लीक को लेकर लगातार सियासत हो रही है, तो वहीं आपको बता दें देश भर में प्रदर्शन भी जारी है। मुख्य आरोपी के गिरेबान तक पहुंचने के लिए सीबीआई की टीम दिल्ली से लेकर बिहार तक छापेमारी कर रही है। सीबीआई की टीम कल बिहार के समस्तीपुर और नालंदा पहुंची। समस्तीपुर में सिकंदर यादवेंदु के घर पर पूछताछ की है, तो वहीं नालंदा में संजीव मुखिया की मां प्रभात रंजन, आशुतोष और मनीष के परिवार से भी पूछताछ की गई है। तो देखिए जो जो यहाँ पर किंगपिन निकल कर आ रहे हैं, जो जो किरदार निकल कर आ रहे हैं, उनकी रडार अब यानी कि सीबीआई के रडार पर वो आ गए। सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन इस पूरे मामले में हो रहा है। लगातार जो जो परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब संजीव मुखिया के परिवार वालों से बातचीत की है, पूछताछ उनसे लगातार हो रही है। वही आपको बता दें कि नेट पेपर लीक मामले में जांच की आंच अब हजारीबाग में एसबीआई बैंक तक भी पहुंच चुकी है। कल एसबीआई बैंक में सीबीआई की 8 सदस्य टीम ने दो लोगों से पूछताछ की है। दो बार यहां पर पूछताछ की गई है। सुबह के वक्त टीम पहले वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ उन्होंने पूछताछ की है और दोपहर के बाद एक बार फिर से पूछताछ के लिए वो आई थी। तो दो बार एसबीआई के वहां पर बैंक में पहुंची थी सीबीआई की टीम और दो बार पूछताछ हुई। एक बार सुबह पूछताछ हुई है पदाधिकारियों से और दूसरी बार एक बार फिर से दोपहर के बाद पूछताछ हुई है। लेकिन ये वो कुरियर कंपनी है जो फिलहाल बंद बताई जा रही है, इनसे भी पूछताछ करने के लिए सीबीआई यहां पर पहुंची थी। पिछले दिन हजारीबाग जो है आर्थिक अपराध इकाई की टीम आई थी और उन्होंने क्वेश्चन पेपर लीक मामले में कई पहलुओं पर छानबीन किया था। वे टीम जो है यहां पर भी पहुंची थी। आज जो है अहले सुबह से ही जो सीबीआई की जो टीम है वो हजारीबाग पहुंची हुई है और कई जगहों पर वो छानबीन कर रही है। उस दौरान जो है वो यहाँ पर भी पहुंची थी। इसका नाम इसलिए भी जुड़ रहा है क्योंकि रांची से जो क्वेश्चन पेपर आए हुए थे इसी कुरियर के माध्यम से पहुंचा हुआ था। इस तरीके से सीबीआई की टीम जांच कर रही है। गौरतलब देखना होगा कि उनको जो है यहाँ से भी क्या कुछ सबूत इकट्ठा हो पाते हैं और इनमें से हजारीबाग का कौन से शख्स का नाम और चेहरा सामने आ पाता है और आगे की कार्रवाई क्या कुछ हो पाती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के सीसीएल गेस्ट हाउस में हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। सीबीआई ने गेस्ट हाउस से काफी सामान को जब्त किया है। जानकारी मिल पा रही है कि गेस्ट हाउस में करीब 11 लोगों से पूछताछ की गई है जिसमें इन्विजिलेटर, ऑब्जर्वर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट शामिल है। तो लगातार आपको बता दें सीबीआई की तरफ से अब पूछताछ का दायरा और ज्यादा बढ़ रहा है, जांच का दायरा बढ़ रहा है। एसबीआई के कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि सुबह और शाम दो बार पूछताछ की गई है। लेकिन इस बीच जिस गेस्ट हाउस का नाम आ रहा था उस गेस्ट हाउस में भी सीबीआई की दबिश हुई है, वहां पर भी लोगों से पूछताछ की गई है।